सब्सक्राइब कीजिए गजानन ऑटो सर्विस एंड पार्ट्स, बेल आइकन को दबाइए बेस्ट मैकेनिकल सॉल्यूशंस मोटरसाइकिल्स के लिए। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अशोक भाई और हमारी यूट्यूब चैनल गजानन ऑटो सर्विस एंड पार्ट्स पे आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि कोई भी गाड़ी की किक का तो किक बॉस कैसे डालते हैं। तो क्या होता है, ज्यादातर कभी कभी ऐसे किक हम लगाते हैं तो ऐसे किक पूरी नीचे चले जाती है और बाद में ऊपर नहीं आती। तो क्या होता है, इसकी धारी का जो टीथ होता है वो चला गया होता है। तो मैं आज आपको पूरी किक के बदले में किक बॉस रिप्लेसमेंट के बारे में बताने वाला हूँ कि सिर्फ किक बॉस रिप्लेसमेंट से आपकी गाड़ी का जो किक होता है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे इसको रिप्लेसमेंट करता है ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये ऊपर का 10 नंबर का जो बोल्ट आता है, ये स्प्लेंडर बाइक है तो स्प्लेंडर में 10 नंबर का आता है। हर गाड़ी में अलग अलग तरह के बोल्ट आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो ऊपर जो किक की साफ्टिन होती है उस पर जो लगा हुआ बोल्ट होता है वो सबसे पहले निकालना पड़ता है। तो पहले ये 10 नंबर का बोल्ट हम लोग खोल देते हैं। तो इस गाड़ी में दिक्कत क्या थी मैं आपको दिखाता हूँ। ये गाड़ी किक लगाते थे तो किक पूरी नीचे चली जाती थी। अभी इसके अंदर की स्प्रिंग सही है लेकिन जो यहाँ जो टीथ आते हैं वो खराब हो गए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको रिप्लेसमेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स ये हम लोगों ने किक का बॉस निकाल दिया है बाहर पूरी किक के साथ। अभी इसके अंदर के जो टीथ होते हैं जो धारी वो पूरी खराब हो गई और इसकी सही है। देखो दोस्तों, अभी मैं साफ करके दिखाता हूँ। ठीक है ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे किक शाफ्ट है उसके जो धारी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा किक है और उसके अंदर जो ये बॉस है जो हम लोगों को रिप्लेसमेंट करना है उसकी धारी घिस गई है। देखो कई कई जगह पे घिस गई है। तो हम लोगों को ये किक बॉस रिप्लेसमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, पूरी किक रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पूरी किक मार्केट से नहीं लाओगे तो करीबन 400 के आसपास आएगी। अगर ये किक का बॉस आता है जो सिर्फ उसको गुटका भी बुलाया जाता है, लेकिन ये किक का बॉस आप रिप्लेसमेंट करोगे सिर्फ तो वो आपको 90 रुपये के आसपास हो जाएगा। तो इसको कैसे चेंज करते हैं मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये पहले हम किक के जो पुराना गुटका है वो उसको निकालेंगे। इधर एक लॉक और एक वॉशर भी आता है लेकिन इसमें नहीं है, निकल गया लगता है पहले से। तो जो लगाते वक्त मैं दिखाऊंगा कैसा वॉशर और लॉक आता है। तो पहले इसको ऊपर से ऐसे निकाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, बाद में एक सरा आता है इधर और अंदर की साइड किक के अंदर की साइड एक स्प्रिंग आती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्प्रिंग पुरानी है जो उसको निकाल देंगे। देखो निकल गई पुरानी स्प्रिंग। अभी नए में क्या क्या आता है नए बॉस किट में वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा किक का नया बॉस है। ठीक है दोस्तों, इसको किक बॉस बोलते हैं ये वाले को। तो देखो अभी नया वाला, इसकी धारी बिल्कुल सही है नए वाले की और ये पुराना वाला। ठीक है, अभी इसके साथ नए वाले के साथ क्या क्या आता है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो पहले ये किक बॉस आ जाता है पूरा, इसके साथ एक पिन आती है, एक स्प्रिंग आती है छोटी सी, एक सरा आता है और ये वॉशर और ये लॉक जो पुराने वाले में नहीं निकला इसको नीचे लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी फिट करना शुरू करता हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ कैसे फिट करते हैं।
दोस्तों सबसे पहले ये होल के अंदर हम लोग एक स्प्रिंग और जो सरा था वो डालेंगे, तो थोड़ा सा ग्रीस लगा दीजिए, इधर ग्रीस लगाने के बाद इसके अंदर एक स्प्रिंग आती है, स्प्रिंग डाल दीजिए, बाद में ये सरा आता है। ठीक है दोस्तों, अभी जो नया किक का गुटका था वो हम लोग डालेंगे, इधर एक मार्क जैसा होता है सरा के लिए, तो इसको इस तरह से बिठाना है, ये जो मार्क है उसके अंदर ये सरा दिखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये बिठा दिया हम लोगों ने, अभी देखिए दोस्तों, जो किक का बॉस होता है उसका जो अंदर होल आता है वो बिल्कुल सही मैच करना चाहिए पहले, ये देखो होल मैच होगा तो ये पिन हमारी जो नहीं है वो अंदर जाने में आसानी रहेगी। दोस्तों ये बीच वाली जो पिन आती है हम लोगों ने लगा दी है, और अभी मैं आपको जो पुराने वाले बॉस में नहीं निकला था नए वाले में लगा कर दिखाता हूँ मैं। ये वॉशर आता है, वॉशर बिठा देने का ऊपर, और ये लॉक आता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा लॉक आता है, देखो बस लॉक को बिठा देने का ऐसे। दोस्तों ये हमारा किक्का बॉस रेडी हो गया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं, देखो ये जो होल दिख रहा है वो जो सरा आता है, ये रहा सरा इसके अंदर, और जब किक हम ऐसे घुमाते हैं सीधी तरफ फ्रेंड्स, तो जो सरा का वर्किंग होता है वो ऐसे होता है, देखो इसको लगाते हम तो किक ऐसे सीधी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अभी ये ऐसे करते हैं तो जो इधर सरा आता है उसके हिसाब से ये किक ऐसे सीधी नहीं होती चालू गाड़ी पे, सरा का काम ये है। अभी इसको लगा के फिट करके मैं पूरा आपको दिखाता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि ये किक नीचे नहीं जाती। ठीक है दोस्तों, एक बोल्ट लगाना बाकी हम लोगों को, जो बीच ये जो गैप है इसको जकड़ के ये तीत को पकड़ के रखता है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं बोल लगा के दिखाता हूँ मैं आपको किक मार के ये किक स्लिप होती या नहीं होती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अभी ये किक लगा दी और किक रेडी हो गई, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये किक हमारी वापस आने लगी है बराबर। दोस्तों तो अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको टू व्हीलर के बारे में और कोई जानकारी चाहिए जो आप घर पे कर सकते हो, और कोई गाड़ी के बारे में पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हो। थैंक यू।